We just decided to go out for a dinner. डिनर में आज भिंडी बना था, तो अब क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं तो मैं सबका अलग अलग उठा के रख दे रही हूँ. एंड स्माइली अंदर है कि बाहर है? पहन लो अपना सैंडल पहन लो, और स्कूल वाला भी अंदर कर दो. रुडू Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Set your यार हमने डिसाइड किया था 0 डिग्री में आज जाएंगे खाने, पर बहुत ही ओवरक्राउडेड था तो हमने वो स्किप कर रहे हैं. अब नेक्स्ट हम लोग अपना डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं. इट इज दैट वन कैफे टेरेसा, हम वहाँ जाएंगे खाना खाने. लूडू एक्साइटेड. वी गॉट पिज्ज़ा, वी गॉट पास्ता, एंड हमने उनसे कहा कि आपकी जो भी स्पेशलिटी है, विच इज योर स्पेशल थिंग, वो लेकर वॉट एवर इट इज. I'm looking in the mirror. So this is our third time in Cafe Teresa in last 10 years of our marriage. जितनी बार इंदौर आए हैं या इंदौर रहे हैं, टोटल मिला के 3 बार यहाँ आए हैं. द थिंग इज़ दैट वी आर नॉट मच इन टू इटालियन फूड और पिज्ज़ा और पास्ता, हम लोग बहुत ज़्यादा खाते नहीं है. वी आर कम्प्लीटली इन टू देसी फूड. बट येस, फॉर अ चेंज दिस इज अ गुड ऑप्शन एंड आई लव द स्टार्टर्स. इट्स समथिंग मेड और मेड फ्रॉम कॉर्न. क्यों पिज्ज़ा बहुत ही अम्मी है, बट आई थिंक थिन क्रस्ट पिज्ज़ा है, बट वो कुक शायद प्रॉपरली नहीं हुआ. इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, तो हमने उसे भी वापस भिजवाया है ताकि वो थोड़ा सा बेटर हो पाए. So this is like literally after years we are having pasta. इसलिए हमने सब चीज़ों की एक एक वैरायटी मंगवाई थी, सो दैट ओवरऑल हम लोग मिल के इसको कम्प्लीट कर सकें, खाना खा सकें. बट येस, इट वॉज़ वेरी गुड फॉर दोज हु लव इट. सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट हमारा पिज्ज़ा प्रॉपरली बेक होके आया है. अब होता क्या है, जब आप किसी मूड में आते हो और वो एकदम से आपको अनकुक्ड सा मिले या फिर थोड़ा सम प्रॉब्लम इज देयर, तो वो मूड थोड़ा सा उधर उधर हो जाता है, बट इट वॉज़ गुड. Finally, it's time to say bye to Cafe Teresa. And let me tell you, हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा पास्ता के लिए आए थे बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग, हमने खाया नहीं था. बट यहाँ पे बाकी इंडियन फूड भी मिलते हैं एंड दे आर रियली गुड इन टेस्ट. सो यू कैन कम हेयर एनी टाइम विथ योर फैमिली टू इन्जॉय ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड. एंड द फूड इज़ रियली गुड, द क्वालिटी इज़ गुड, ऊपर नीचे तो होता रहता है.